एस न्यूज। बलरामपुर जिले के अंतर्गत गौरा चौराहा शिक्षण संस्थान में चोरी करने के लिए घुसे युवक को चौकीदार ने पकड़ लिया। मामला 1 अगस्त की बीती रात का है, जब विद्यालय के चौकीदार ने एक युवक को संदिग्ध अवस्था में पकड़ा एवं कुछ स्थानीय लोगों की सहायता से उसको रात्रि में पकड़कर निगरानी में रखा। सुबह लोगों से कड़ी पूछताछ करने पर उसने अपना नाम शाहिद अली निवासी भयाड़ी महदैया थाना उतरौला का बताया एवं भूरे पुत्र दुखी निवासी सोनपुर को अपना साथी बताया। साथी बताया कि भूरे ने सारे घटना को अंजाम देने के लिए आदेश एवं सहायता दे रहा था। साथी मिलकर 2 सोलर लाइट गुलरिहा घाट में पूर्व में भी चोरी कर चुका है। ग्रामीणों ने इन दोनों को थाना गौरा चौराहों को सौंप कर विद्यालय प्रबंधक अंगद राम को शिकायती पत्र देकर सारी घटना से अवगत कराया। आरोप है कि इसमें भूरे को थाने से राजनैतिक दबाव में बरी कर दिया गया है, जिसके विरुद्ध पीड़ित अंगदराम मिश्र ने पुलिस अधीक्षक बलरामपुर से शिकायत भी की है। एबीपीएस न्यूज के लिए शैलेंद्र बाबू की एक रिपोर्ट। दोनों जने खोले, तीसरा कोई नहीं रहा? कोई नहीं रहा। तो कितने दिन से ये तुम्हें लोकेशन देते रहे चोरी कर करके? नहीं बस दो दिन से। अब आवत जात कितना दिन से रहे हो? छः महीने। वो तो 3 साल बताओ। पानी आएगा भैया, वो यहाँ पहुँचे। कुछ देर बाद हम भी दूसरी दूसरे यहाँ आ गए। उसको निकाल कर पूछा गया तो उसने बताया कि ससाना हमारी सदारी है, हम ससाना जा रहे थे, बरसात होने लगी इसलिए हम रुक गए। तो हमने कहा कि ससाना जब सदारी है ये जा रहा था तो छोड़ दो, सुबह पता किया जाएगा। एक कमरे में बंद करके हम लोग चले गए। सुबह जब फिर हम आए तो हम पूछने लगे रिश्तेदारी कहाँ है, किसके यहाँ है। उसने बताया कई नंबर, उसने बताया सब पर हमने कॉन्टेक्ट किया लेकिन सही जवाब कहीं से मिला। सब बोले कि मैं नहीं जानता हूँ, हमारा कोई रिलेशन वहाँ पर नहीं है। इसके बाद बहुत पूछ जांच करने पर उसने कम से कम 100 आदमी के बीच में बताया कि मैं यहाँ प्लेट खोलने आया था। ये पूछा कि तुम यहाँ कैसे आए, मारिया के रहने वाले हो? तो उसने बताया कि मैं भूरे को जानता हूँ, बहुत पहले से भूरे के यहाँ आता जाता हूँ और भूरे ने हमको भेजा था कि जाओ प्लेट तुम खोलो, अगर नहीं खोल पाइएगा तो हमारे पास फ़ोन कीजिएगा, ये नंबर है। हम आए, जब तक हम घर में घुसे तब तक चौकीदार आ गए, हमको पकड़ लिए। इसके बाद में हम लोगों ने पूछा कि और कहाँ कहाँ चोरी किया, टाइट किए। तब बताया कि हमने इसके पहले गुलरिया घाट पर 2 सोलर प्लेट खोला है और दूसरे नंबर पर यहाँ पर भी गए थे, यहाँ आए तो यहाँ पकड़ गए। तो एक बहुत ही प्रसाद गुप्ता हैं, उन्होंने कहा कि भाई भूरे को भी बुलाओ, उनके भाई को बुलाओ। भूरे और उनके भाई राजेंद्र को बुलाया गया। भूरे ने बहुत ज़्यादा पूछ जांच उससे किए, उसने सब के सामने ही कहा कि तुमने हमको भेजा था, तुमने कहा था कि जाओ प्लेट खोल लाओ। भूरे कहने लगे कि हमने नहीं भेजा है। उसने कहा तुम्हें तो भेजे थे, मैं क्या पता, हमको क्या पता है कि मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, यहाँ कौन सामान किस जगह पर रखा है, मैं तो स्कूल भी नहीं जानता। ये सब बातें हुई, उसके बाद हम लेकर गए इसको थाना गौरा चौराहे पर। हम बैठे थे दरोगा जी पूछने लगे तो उसने बताया कि हाँ भूरे ने हमको भेजा था और हम 5 दिन से भूरे के यहाँ रह रहे हैं। भूरे रात को हमको जो है अपने दुकान में बंद कर देते हैं, दुकान बंद करने के बाद खाना लाकर खिलाते हैं, मच्छरदानी लगा देते हैं। मैं वहाँ लेटता हूँ, जब रात को कहीं जाना होता है तो मोटरसाइकिल लेकर आते हैं, हम लोग चले जाते हैं। उसने वहाँ ये भी कबूल किया कि हमने लुढ़िया घाट पर जिस दिन 16 प्लेट 2 खोला है उसी दिन तुलसीपुर हम गए, भूरे ने हमको स्टेशन पर छोड़ दिया और अपना गए कहीं प्लेट बेच कर आए, हमको 500 रुपया दिए। इस पर लोगों ने डांटा, जो थाना अध्यक्ष उन्होंने डांटा कि बताओ तुमने 500 क्यों दिया। उन्होंने कहा 3,000 का बिका था, 500 हमको दिया और बोले कि बाबू जो खर्चा तुम्हें लगेगा बाद में ले लेना, हम देते रहेंगे।
फिर हमको वहाँ से जब लौटे तो हमने बनकसिया में दो बैटरी ट्रैक्टर का खोला। बैटरी का उसने हमारे सामने कोई बयान नहीं दिया कि बैटरी हमने कहाँ बेचा कहाँ रखा। दरोगा जी ने कहा कि आप लोग जाइए, हम भुर्रे को बुलवाते हैं, हम लोग चले आए। इतना बयान देने के बाद भाई जब कल हमने फिर फोन किया तो अजय यादव जी ने कहा कि आप भी चले आइए। वहाँ पर तमाम गाना बताए, उसके बाद में बोले कि हम नहीं छोड़ेंगे। शाम को क्या पता लगा कि भाई नेतागिरी के दबाव से कि पैसा दे करके वो लोग छूट आए। ये सब बातें हैं।